क्या करूं? एक काम करता हूँ, इनके पिटारे को खोलता हूँ और सारे जादू सीखता हूँ। वंडरफुल। उनका क्या कोड वर्ड था यार? हाँ, बंबरा बंबरा बंगला रे बंगला बंगला। जादू के पिटारे खुल जा खुल भी जाना, मैं बच्चों को प्यारे प्यारे छोटों को जादू सिखा सकूं। ओ शंपलू तंपलू कंपलू खुल जा खुल जा खुल जा। कौन खोलना चाहता है हमारे जादू की पटारी को? कौन है? हमारा शागिर्द, हमारा चमचा हमारी पटारी को ललकार रहा है। खबरदार, तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई? की पटारी से मजाक? तुम नहीं जानते इसमें पूरी दुनिया का जादू हमने महफूज कर दिया है। ऐसा जादू जो इंसानों हैवानों और जिन्नात की हर एक शाम को हैरत और खौफ से हमकनार करवाता है। अरे जादूगर भाई, मैं आपकी इस कीमती पटारी को कैसे खोल सकता हूँ? कोड वर्ड तो आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। हम जानते हैं। अरे बाजी, समझा है तुमने? हमारे हाथों की लकीरों में महफूज है इस पटारी का राज, इसको खोलने का जिसे तुम कहते हो कोड वर्ड। जादूगर भाईजान, कुछ सिखाए ना, मैं तो स्कूल का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब क्लास फेलोज हैरान हो जाए और वो तमाम राज तुम्हें बता दे जिन्हें हासिल करने में हमें 100 साल लगे, चंद रोज में तुम्हें बता दे। अरे जादूगर भाईजान, जमाना बदल गया है। वो तमाम राज जिनको ढूंढने में आपको 100 साल लगे, अब वो इंटरनेट में मिनटों में आपके सामने आ जाते हैं। दुनिया की तमाम इंफॉर्मेशन, जो सवाल करे उसका जवाब सेकेंडों में हाजिर हो जाता है। अरे क्या कहा, हर सवाल का जवाब हमारी पटारी से भी ज्यादा जल्दी। इंटरनेट? क्या क्या है ये इंटरनेट? कौन से जादूगर ने आजाद किया है इसे और क्यों यूं ही खुला छोड़ दिया कि जो चाहे गायब का इल्म हासिल कर ले इसमें से? वो सब अच्छे जादूगर थे, उन्होंने इल्म की रोशनी को फैलने के लिए इजाद किया इस जादू की मशीन को जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, और तोहफे के तौर पर दुनिया के तमाम इंसानों पर खोल दिए इसके राज। उफ, हसद किया? क्यों किया ये सब क्यों किया? ताकि इल्म फैले और लोग तारीकी के अंधेरों से बाहर निकले। खामोश चमचे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। उन नजीम जादूगरों ने अपने इल्म को बांट दिया, तकसीम किया। उफ, खामोश खामोश। ये सच है जादूगर भाई, इल्म ही तो है वो रोशनी जिसे हासिल करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया हर इंसान को। मेरा जादू मंजरे आम पर लोगों में बट जाए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये हो रहा है जादूगर भाई, ये हो रहा है। खामोश हो, खामोश। मेरा जादू बाजार में बिखर गया। ओ, कौन मानेगा मुझे, कौन जानेगा मुझे? इल्म, इल्म मेरा दुश्मन है। रुक जाओ, रुक जाओ। जादूगर भाई, अरे क्या हुआ, बेहोश हो गए? जादूगर भाई, अरे ये क्या हुआ, बेहोश हो गए? चलो चलो, मैं क्या कहूँ। हाँ, मैं जादू की पटारी खोलता हूँ। हेलो परेशान, खुल जा जादू की टोकरी, खुल जा, अपने राज खोल, मैं बखेर दूंगा इन्हें अपने दोस्तों में। तेरी हर बात, तेरा हर राज, और वो बांटेंगे आगे अपने दोस्तों में, और यूं इल्म दूर तक फैल जाएगा, यहाँ से वहां तक रोशनी ही रोशनी होगी। खोल अपने अंधेरे को, मुझे रोशन करने दे अपने काले जादू, ताकि सब जान जाए। खुल जा पटारी, अरुण शरम शरा अम शरम शरा, खुल जा पटारी, खुल जा। मिलजुल कर कोई गीत बनाए, फिर मिलकर गाएं।
बोले क्या बात है यार, आज तुम परेशान लग रहे। बस कुछ नहीं यार। नहीं यार कुछ तो है, वरना तुम इतने चुप चुप नहीं रहते। नहीं कुछ नहीं है ना। नहीं कुछ है जरूर। हाँ कुछ नहीं है ना। अच्छा ये बताओ आज स्कूल गए थे? हुए, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मुझे स्कूल में मार पड़ी? अच्छा तो तुम्हें स्कूल में मार पड़ी, वो क्यों? अब मगर तुम्हें पता कैसे चला? यार अभी तुमने खुद ही तो बताया तुम्हें स्कूल में मार पड़ी। हुए, मैंने खुद ही बता दिया। पर मार पड़ी क्यों बताओ? क्यों? हाँ तुम्हारे मामलों की वजह से। तुमने जरूर कोई गलत मुहावरा बहुत गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिया हो। और नहीं भाई नहीं, आज मुझे ठीक मुहावरे की वजह से मार पड़ी है। अगर गलत हो जाता तो शायद मैं बच जाता। गलत हो जाता तो बच जाते, क्या मतलब? आज ना मैं स्कूल में देर से पहुंचा। स्कूल देर से पहुंचे, ये तो बहुत बुरी बात थी तुमने। देखो देखो तुम मेरे दोस्त ही हो, अबू जान ना बनो। अच्छा अच्छा खैर बताओ क्या हुआ? मैं देर से पहुंचा ना तो टीचर ने पूछा कि देर क्यों आए हो? टीचर नहीं टीचर होता। अच्छा जो भी होता है। तो मैंने बताया कि मैं सो के देर से उठा था तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। कहती है कि स्कूल के अलावा तुम घर पे भी सोते हो? तुमने उन्हें बताना था ना जी, मैं किंग हूँ। पर कोई तो नहीं बताते ना। फिर उन्होंने होमवर्क का पूछा, पूरे 4 होमवर्क दिए थे उन्होंने। और मैं भी किंग हूँ, मैंने भी पूरे 3 होमवर्क दिए। सही तो 2 सही। हाँ दोषो, मगर इस मुहावरे की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे? तुम बिना बिल्कुल मेरे टीचर की तरह बातें करते हो। जो 3 मैंने होमवर्क किए उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, तो जो 1 मैंने नहीं किया सारे उसी के पीछे पड़ गए। अच्छा अच्छा ये बताओ मार क्यों पड़ी? तो फिर टीचर ने ना मुझे बड़ी डांटा, वो डांटते ही चले गए। हाँ, तो जब वो डांट रहे थे ना तो मैंने उन्हें कहा कि जरूर डांटे, जितना मर्जी डांटे, मगर मुझे पता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर तो खेती का जवाब बनता था ना। फिर वो ऐसे बरसे।